हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से पहले लापता हुई दो नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दोनों बच्चियों को बरामद किया है। साथ ही लड़कियों को भगाने वाले नाबालिग युवक को भी पकड़ा गया है। एसएसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चियों को भगाने वाले चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चारों लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। नाबालिग बच्चियों को भगाने में विशेष समुदाय के लोगों का नाम सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने भी, जिसके बाद पुलिस की चार टीमें इस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 21 जून को थाना बनभूलपुरा में मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिससे दो नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के आधार पर जो सीसीटीवी सर्विलांस किया, जो पूछताछ की और जो सीडी एनालिसिस किया, उसके आधार पर ये दो नाबालिग बच्चियां एक नाबालिग लड़के के साथ में यहां से निकली और पुलिस ने कंटिन्यूस ये जो तीनों लोग थे इनका पीछा किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगह हमारी टीमें पहुंची और हमारी टीम को ये लोग मुजफ्फरनगर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से हमारी टीम ने इनको बरामद किया गया है। बच्चियाँ सेफ है और उनके संदर्भ में जो आवश्यक विधि कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम लोग। इन बच्चियों को भगाने में, उनको गुमराह करने में और उनको शरण देने के लिए चार लोगों ने जो कृत्य किया है उसके संदर्भ में पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ बच्चियों को गुमराह करने का, उनको भगाने का जो कार्य है उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई।